हेलो, आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। मैं हूं नीतू कुमार और हम बात करेंगे बॉलीवुड के दबंग खान की। जी हां, सलमान खान के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे सलमान खान ने बचपन में अपने दोस्त से कर्ज लिया था और उसको सालों बाद किस तरह से चुकाया। सलमान खान जो है यारों के यार कहलाते हैं और ऐसा ही कुछ उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ किया। जब सलमान खान टीनेजर थे तो उन्होंने अपने इकबाल नाम के दोस्त से जो है 2011 रुपए का कर्ज लिया था। उस दौरान सलमान को पैसे की कभी तंगी रही होगी और उन्होंने ये कर्ज लिया होगा। और सलमान खान जो है अपने उस जिगरी दोस्त का उस कर्ज जो है भूले नहीं थे। सालों बाद जो है उन्होंने उनको पैसे भी वापस किए और ये भी लिखा कि बिना किसी ब्याज के उनके दोस्त ने जो है वो पैसा ले लिया था। लेकिन सलमान ने उस दोस्त के बेटे को जो है बॉलीवुड में लॉन्च किया। जी हाँ, सलमान खान ने अपने दोस्त इकबाल के बेटे जहीर इकबाल को जो है बॉलीवुड में लॉन्च किया और खुद उनके लिए फिल्म बनाई। नोटबुक नाम की एक फिल्म बनाई थी और उस फिल्म के जरिए जो है उन्होंने अपने दोस्त के बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च किया। वो फिल्म जो है ठीक ठाक चली और जहीर इकबाल को बॉलीवुड में पहचान तो मिली ही। सलमान ने उनको बॉलीवुड में उनकी एंट्री तो करा दी। अब उसके बाद जो है अपना सफ़र वो कैसे आगे बढ़ाते हैं ये अब उनके जिम्मे है, लेकिन सलमान ने उनकी मदद ज़रूर की और अभी भी जो है सलमान जहीर इकबाल को अपना बहुत करीबी मानते हैं। सिर्फ जहीर इकबाल ही नहीं, बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जिनको सलमान खान ने लॉन्च किया, उनका करियर बनाया। देखा जाए तो कटरीना कैफ जो कि लंदन से इंडिया आई थी, उन्होंने साउथ की कुछ फिल्मों में काम किया था, बूम फिल्म में उन्होंने काम किया था, लेकिन अगर वो नंबर वन एक्ट्रेस बनी तो इसमें कहीं ना कहीं सलमान खान का हाथ था। कटरीना जो है सलमान खान की बहन अलवीरा से एक जिम में मिली थी और उसके बाद जो है कटरीना की मुलाकात सलमान खान से हुई थी और फिर सलमान ने उनके साथ कई सारी फिल्में उनको बॉलीवुड में दिलाई। कई सारी फिल्मों में खुद वो कटरीना के हीरो बने और कटरीना का करियर जो है चमका दिया। बाद के दिनों में कटरीना से ब्रेकअप होने के बाद भी सलमान ने उनकी मदद की। कटरीना का करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, उनके पास फिल्में नहीं थी, तब सलमान ने उनको खुद अपनी फिल्म जो है टाइगर जिंदा है में काम दिलवाया, भारत नाम की फिल्म में काम दिलाया, अक्षय कुमार से बात करके सूर्यवंशी में काम दिलवाया। तो सलमान ने हमेशा कटरीना की मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। भले ही सलमान और कटरीना की शादी नहीं हो पाई लेकिन कटरीना के जो है हमेशा वो गॉडफादर बने रहे। सोनाक्षी सिन्हा भी वो एक्ट्रेस है जो कहीं ना कहीं से सलमान खान की वजह से ही बॉलीवुड में आई। फिल्म दबंग के लिए जो है बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो है उन्होंने अपना ऑडिशन दिया था और कहीं ना कहीं सोनाक्षी में भी काबिलियत थी, इसी वजह से वो ऑडिशन में पास भी हुई और सलमान खान की फिल्म दबंग में जो है उन्होंने काम किया। दबंग जो है उनके दबंग सीरीज की फिल्में जो है सोनाक्षी के करियर की सबसे अच्छी फिल्में मानी जाती है। अब तक वो इस सीरीज की तीनों फिल्मों में काम कर चुकी हैं और सलमान खान ने उनके करियर को वाकई में देखा जाए तो उनको आगे बढ़ाया। सलमान खान ने उनकी बहुत ग्रैंड लॉन्चिंग की थी और अपनी पहली ही फिल्म से जो है सोनाक्षी स्टार बन गई थी। अर्जुन कपूर जो कि इन दिनों सलमान से भले ही उनके 36 के आंकड़े हों लेकिन एक समय था जब वो सलमान खान के बहुत चहेते थे। एक वक्त था जब वो सलमान खान की बहन के बॉयफ्रेंड थे। अर्पिता और अर्जुन जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और सलमान खान को इस बात की जानकारी थी और सलमान उनको बहुत पसंद भी करते थे। अर्जुन जो है उनको लगता था कि वो एक्टर नहीं बन सकते लेकिन सलमान ने उनको बताया कि तुम अपना वजन कम करो, तुम जरूर एक्टर बन सकते हो। अर्जुन जो है उस दौरान डायरेक्टर बनने की प्लानिंग कर रहे थे लेकिन सलमान के समझाने पर और गाइडेंस देने पर जो है अर्जुन कपूर जो है एक्टर बने। उनको यशराज फिल्म से मौका मिला और इशक जादे नाम की फिल्म में उन्होंने काम किया और वो फिल्म जो है हिट रही और उसके बाद से अर्जुन कपूर जो है अभी भी बॉलीवुड में छाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी सलमान ने मदद पहुंचाई। सलमान खान ने सिर्फ कटरीना नहीं बल्कि कटरीना की बहन के लिए भी फिल्म बनाई। पिछले दिनों जो है डांस बेस्ड फिल्म उन्होंने आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और कटरीना की बहन के साथ जो है उस फिल्म को उन्होंने बनाने में योगदान दिया था। वो फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली लेकिन सलमान ने कटरीना की बहन की लॉन्चिंग में भी काफ़ी हद तक मदद की। सलमान खान ने स्टार्स को लॉन्च भी नहीं किया बल्कि बहुत से ऐसे एक्टर्स जिनका करियर जो है ठप पड़ गया था, जिनको बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था, उनको सलमान ने अपनी फिल्मों में काम दिलवाया, जिसमें से एक बॉबी देओल भी हैं। बॉबी देओल को 10 सालों तक काम नहीं मिला था, फिर सलमान ने उनको अपनी फिल्म रेस 3 में मदद दी। इस तो उस फिल्म के बाद जो है बॉबी ने अपनी बॉडी बनाई और उस फिल्म के ज़रिए जो है उनको बाद के दिनों में आगे काम मिलने लगा और इन दिनों जो है बॉबी देओल जो है OTT के बड़े स्टार बन चुके हैं। तो सलमान ने किस तरह से बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनको
हमेशा ही सलमान खान मदद देते रहे हैं। डेजी शाह एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, उनको बॉलीवुड में काम करने के लिए वो बहुत हाथ पैर मार रही थी, कहीं काम नहीं मिल रहा था, लेकिन सलमान ने डेजी शाह की भी मदद की और उनके साथ जय हो नाम की फिल्म की। वही एक इकलौती फिल्म है डेजी शाह की जिसके ज़रिए लोग उनको याद करते हैं, और बाद के दिनों में उनको बहुत ज़्यादा काम नहीं मिला। जैकलिन फर्नांडिस का भी बॉलीवुड में करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, सलमान के साथ उन्होंने किक नाम की फिल्म की और उसके बाद से उनकी करियर को किक मिला और जैकलिन जो है आगे जो है उनको बॉलीवुड में बहुत सारे काम मिलने लगी, फिल्में मिलने लगी। तो बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे लोग जो हैं, कहा जाता है यहाँ बहुत कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पर सलमान खान जैसे कुछ एक्टर्स भी हैं जो अपने कुछ लोगों को मदद भी देते हैं, कई लोगों को जो जिनको काम की तलाश होती है उनको वो मदद पहुँचाते हैं। सलमान खान ने जो है देखा जाए तो एक लंबी लिस्ट है जिन तमाम स्टार्स की उन्होंने मदद की और उनके करियर को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया।